सो हेलो गेमर्स यार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका गेमर बड़ी यार पिथ फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ पीसी बाबा यूट्यूब चैनल में। एंड आज का वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बस सिमुलेटर इंडोनेशिया की जो है गियर गाइड देने वाला हूँ। मतलब गियर सेटिंग्स के ऊपर ये पूरा वीडियो होने वाला है। इसमें जितने भी गियर ट्रांसमिशन आते हैं, किस तरीके से आपको उनका यूज़ करना है, उनका मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा भाई बता दूंगा इस वीडियो में। तो आप भाई प्रोफेशनल हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद गियर के मामले में, कि किस गियर से क्या होता है, किससे आपको क्या यूज़ करना है। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड इसके बाद जो है अपन मोड्स खेलेंगे कुछ बस सिमुलेटर इंडोनेशिया, क्योंकि अभी मैंने बेसिक जो है प्ले स्टोर वाला गेम है मेरे पास ये वाला, एंड मोड्स ट्राई नहीं किए। तो क्या ट्राई करूँ, आप लोग क्या जानना चाहते हो मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बता देना, तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि उस पर वीडियो बना दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड इसको एंड तक देखना, क्योंकि भाई पूरा सिखा दूंगा आपको कि किसका क्या मतलब होता है। तो देखिए बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में जो है तीन ट्रांसमिशंस आते हैं। तो अब हमको पता कैसे लगेंगे भैया जी तीन आते हैं, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का बटन दिख रहा होगा बिल्कुल कैंसिल के लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखो पूरी सेटिंग्स है यहाँ पे, तो इस सेटिंग्स का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि किस सेटिंग को करने से क्या आपके इफेक्ट पड़ेगा। लो एंड के लिए आप, अगर आपका फ़ोन बहुत ही कमजोर है तो कौन सी सेटिंग्स रखें, एंड हाई एंड के लिए आप कौन सी रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे अदर्स में। तो देखो ट्रांसमिशन मोड तीन आते हैं, ये रहे नीचे ऑटो, मैनुअल प्लस माइनस एंड मैनुअल एच। ई का है भाई सब समझने में, देखते रहो भैया यार देखते रहो। देखो तो सबसे पहले जो बेसिक मोड आता है गेम के साथ वो होता है ऑटो। अब ऑटो ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ये ट्रांसमिशन मोड गियर ही है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो गियर ले सकते हो, गियर मोड इसको बोल सकते हो। ऑटो का मतलब होता है ये उन लोगों के लिए जिनको भाई ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं चाहिए, कि भैया जी चलती रहे बस, हम तो स्पीड के बटन पर दबाएं और हमारी बस चलती रहे, तो ये ऑटो इनके लिए होता है। मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। देखो तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो ये एड आ गए हैं यार, एड को करते हैं कैंसिल। अब ऑटो है यहाँ पे मेरा ट्रांसमिशन मोड, अब देखना ऑटो क्या होता है। तो देखो ये मेरी बस है, दिख रही है तुम लोगों को। अब यहाँ पे देखो कोई गियर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ड्राइविंग का और ये रिवर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो बस आपको ड्राइविंग वाले पे डाल देना है। और जैसे ही आप देखो स्पीड दोगे अपनी बस की, लाइक मैं यहाँ पे स्पीड देता हूँ भाई, सामने देखो टकरा गई हमारी बस, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी गियर यहाँ पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ड्राइविंग पे दबाएंगे। और यहाँ पे देखो D1 का मतलब होता है फर्स्ट गियर, तो पे अपने आप जो है गियर डल जाते हैं ऑटो मोड में, डेट्स ऑटो मोड। तो अब हम करते हैं इसको सेव एंड एग्जिट। तो ये होता है भाई साहब ऑटो ट्रांसमिशन। अब ये किन लोगों के लिए, जिनको ज़्यादा लोड नहीं लेना, बट अगर आप एक रियल ड्राइवर हो या अगर आपने कभी कार वगैरह चलाई हो तो उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, हम डालते हैं गियर, है ना। तो अगर आपको वो चाहिए कि भैया जी हमको तो रियल बस चलानी है, हम तो गियर भी खुद ही डालेंगे, खुद के हिसाब से चलाएंगे, एंड लिटरली बहुत मज़ा आता है, सच बता रहा हूँ आपको, ऑटो से ज़्यादा मज़ा आता है अगर आपको खेलना आ गया एक बार। तो देखिए अब बताता हूँ मैं आपको सेकंड ट्रांसमिशन। ऑटो का मतलब समझ के आपको कुछ नहीं करना, सब ऑटोमेटिक होगा, अपने आप गियर डल जाएंगे, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। अब सेकंड मोड है मैनुअल प्लस माइनस। तो व्हाट इज दिस मींस, कि इसमें दो बटन आएंगे, एक प्लस का बटन आएगा एक माइनस का बटन आएगा। जैसे आप प्लस के बटन पे क्लिक करोगे गियर डल जाएगा, और जैसे ही आप माइनस के बटन पे क्लिक करोगे गियर निकल जाएगा। अब गियर का तो आपको मतलब पता होगा इसे यार, ये स्पीड के हिसाब से डलेंगे। जो ये वाली बस है इसमें 6 गियर हैं, तो 6 गियर आप लोगों को मिलेंगे। अभी मैं आपको दोबारा से चला के दिखाता हूँ। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा भाई WWE का एड आ गया, तो इसको निकल जाने देते हैं। अब हम लोग करते हैं कैंसिल। अब ध्यान से देखना मैनुअल प्लस माइनस वाला ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। पहले तो मैं ना अपनी बस निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो देखो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई ड्राइविंग का बटन नहीं आ रहा है। N और R, N का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब अभी कोई सा भी गियर नहीं डला हुआ है। तो आपको प्लस पे क्लिक करना है, और देखो D1 लिखा गया, मतलब अब जाके पहला गियर डला है। तो मैनुअल प्लस माइनस ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि अगर आपको गियर डालना है तो इस वाले प्लस के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, इससे गियर डलेगा। और जब आपको गियर निकालना है तो इस वाले माइनस के बटन पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। तो बारिश हो गई है, मैं अपनी बस ना सबसे पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ भाई लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है यार, हम टकरा रहे हैं, थोड़ा हम खुली रोड में चले जाएँ। हाँ भाई साहब बताइए, बोल दीजिए यार हमको यार बस चलानी है यार, ऐसा करोगे तो। देखो अब खुली जगह आ गई है, तो समझ गए अब मेरी बस जो है भाई साहब फर्स्ट गियर में ही चल रही है। लेकिन अगर मेरे को सेकंड गियर डालना है तो मैं इस तरीके से स्पीड दूंगा, प्लस वाले बटन पे दबाऊंगा, और ये डल गया, ये थर्ड डल गया, ये फोर्थ डल गया, ये फिफ्थ डल गया, ठीक है। तो गियर स्पीड के हिसाब से मैटर करते हैं, अगर आपकी लो स्पीड है तो आप फर्स्ट गियर पर डालेंगे, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी आप गियर बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे आपकी स्पीड कम होगी आप गियर घटाते जाएंगे।
भाई मैं रियल सिखा रहा हूँ ना यार, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। बाकी जिन लोगों ने कार चलाई है, अगर बाइक भी चलाई है, तो वो समझ रहे होंगे मैं कह क्या रहा हूँ गियर से। और ये माइनस के बटन पे क्लिक करने से यहाँ से गियर गिर जाएंगे। तो ये होता है हमारा सेकंड ट्रांसमिशन मोड, जिसमें कि भाई साहब एड बंद करूँ सबसे पहले, समझ गए। मैनुअल प्लस माइनस, प्लस माइनस के दो बटन आ जाते हैं। तो जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे गियर डल जाएगा, और माइनस पे क्लिक करोगे तो गियर निकल जाएगा। इज डेट सिंपल। तो दोनों ट्रांसमिशन आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले ऑटो था, ऑटो में हमको कुछ नहीं करना। प्लस माइनस वाले में हमको भाई प्लस पे दबाना है तब जाके गियर डलेगा, और फिर हमको दबाना है माइनस पे। तो ये होता है मैनुअल। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल, जो कि असली में होता है। अगर आपने कार देखी हो या अगर बस किसी ने चलाई, वैसे आप लोगों ने चलाई नहीं होगी तो कोई नहीं यार, मेरा तो एक्सपीरियंस है। तो अब देखो यहाँ पर मैनुअल एच वाला ऑप्शन आता है, ये होता है रियल गियर बॉक्स। तो इस पे जाते ही जो रियल गियर आ जाते हैं पूरे के पूरे। तो अब मैं आपको वापस से दिखाता हूँ मैनुअल एच का मतलब क्या होता है। हम फ्री मोड में जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एड आ गया है, तो एड को हम लोग हटा देंगे। अब देखो इसको लोडिंग होने दो, थोड़ा टेक्सचर वेक्चर लोडिंग हो जाए। तो ये देखो हो गया। अब यहाँ देखो गाइस, दिख रहा है आप लोगों को भाई साहब रियल गियर आ गया। तो अब इसमें हम लोग गियर कैसे डालेंगे भाई, ये क्या बता दिया अर्पित भाई आपने, अब गियर कैसे डालें। तो आपको एक ये ऑरेंज कलर की बॉल यहाँ पे नज़र आ रही होगी, तो अब इसको जहाँ पे डालोगे ना भाई, सबसे पहले यार मैं साउंड और कम कर लूँ, सेटिंग्स यहाँ पे हम साउंड एंड म्यूजिक वॉल्यूम भी जीरो कर देते हैं, और साउंड इफेक्ट भी हम लोग जीरो कर देते हैं। चलिए अब भाई बारिश की गंदी आवाज़ नहीं पड़ रही है कानों में। तो यहाँ पे देखो ये ऑरेंज बॉल आपको डालनी पड़ेगी गाइस, जैसे हम रियल गियर डालते हैं, तो वैसे ही आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले इसको डालेंगे फर्स्ट में। तो ये लग गया हमारा फर्स्ट गियर, हम स्पीड देंगे एंड डेट सेट, हमारी बस चलने लग गई। अब हम यहाँ से इस बॉल को खींच के डाल देंगे सेकंड में, तो सेकंड गियर लग जाएगा। यहाँ से इसको डाल देंगे खींच के थर्ड में, तो थर्ड गियर लग जाएगा। इसको फोर्थ में डाल देंगे तो फोर्थ गियर लग जाएगा। अब रिवर्स लगाना है, यहाँ से बस रिवर्स लेनी है, तो इसको निकाल के इस बॉल को निकालो और रिवर्स में डाल दो, डेथ सीट। ये देखो रिवर्स में हमारी बस चलने लग गई। तो ये होता है रियल गियर ट्रांसमिशन, जो कि रहता है मोस्टली। तो अगर आपको बिल्कुल रियल खेलना है कि नहीं भाई साहब जैसा रियल लाइफ में आता है ना अर्पित भाई वही बताओ हमको, तो आप मैनुअल एच पे रख सकते हो। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, उसको मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, वरना हॉर्न बजा रहे हैं बेचारे, परेशान हो रहे हैं लोग। तो इज डेट सिंपल गाइज, ये थे तीनों गियर ट्रांसमिशंस मोड। ऑटो मोड में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सब ऑटोमेटिक चलता है। बट अगर आपको रियल एक्सपीरियंस चाहिए देन आप मैनुअल प्लस माइनस कर सकते हो। इसमें क्या होगा, प्लस के बटन पर डालते ही गियर डल जाएगा, माइनस के बटन पर डालते ही वापस वो गियर हट जाएगा, यानी कि आप डाउन गियर में आ जाएंगे, और जब कुछ गियर नहीं रहेगा तब आप न्यूट्रल में चले जाएंगे। एंड एंड में होता है मैनुअल एच। तो मैनुअल एच होता है रियल गियर सिस्टम हमारा, जैसा कि हमारा रियल लाइफ में रहता है। तो ये तीन ट्रांसमिशंस मोड है जो बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में आते हैं। तो मैंने पूरा सिखा दिया आपको किसका मतलब क्या होता है, एंड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा यूज़ करना है। जिनको गियर डालने में प्रॉब्लम होती है वो मैनुअल प्लस माइनस का यूज़ कर सकते हैं, ताकि प्लस के बटन पर क्लिक करते ही गियर डल जाए। बट जिनको रियल एक्सपीरियंस चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे सबसे मस्त मज़ा आता है मैनुअल एच वाले में, क्योंकि ये बिल्कुल रियल है। एंड जिनको कुछ लोड ही नहीं लेना, वो ऑटो पे चलाएं, बेसिकली अपने आप सब डल जाएगा। तो यही था गाइज आज के वीडियो में। एंड अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो पीसी बाबा फॉर मोर अमेजिंग गेमिंग कंटेंट। के लिए क्या बनाऊँ मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताने का, ठीक है। सेटिंग्स का वीडियो भी हमको बनाना है, आप लोगों को सिखा दूंगा मैं पूरी सेटिंग्स, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।